हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 11A एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी जो एंगल्स दिए हैं उनके आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री, यानी कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है। जब भी हम किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं तो उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 42 का हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो 90 में से 42 को डिग्री को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 48। तो ये 48 डिग्री जो है वो 42 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, ठीक है ना। सेम स्टूडेंट्स, इसके बी पार्ट में भी आपको वही करना है कि 65 का कॉम्प्लीमेंट एंगल पता करना है तो 65 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम 90, तो वी विल गेट 25 डिग्री। 25 इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री। ओके, नाउ वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 39 डिग्री। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 90, वी विल गेट 51। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 39। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि दिए हुए एंगल को हम उस 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो आंसर मिलता है हमें वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है दिए हुए एंगल का, गिवन एंगल का। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 51 डिग्री। तो 51 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 51 इस को सब्ट्रैक्ट करना होगा 90 में से, वी विल गेट 39। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 51 डिग्री। ये 51 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 39 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड कर रहे थे, अब वी नाउ वी विल फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ द गिवन एंगल। तो सो वी विल सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम 180 डिग्री, सो वी विल गेट द आंसर एंड द आंसर विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई एंगल का सप्लीमेंट्री पता करवाता है, सप्लीमेंट एंगल पता करवाता है, तो गिवन एंगल को 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। जो एंगल आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है या सप्लीमेंट एंगल होता है गिवन एंगल का। और कॉम्प्लीमेंट्री पता करने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, और सप्लीमेंट्री पता करने के लिए, सप्लीमेंट एंगल पता करने के लिए 180 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी विल फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 105 फ्रॉम 180 डिग्री, सो वी विल गेट 75 डिग्री। दिस इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 87 फ्रॉम 180 डिग्री एंड देन द आंसर विल बी 93 डिग्री। दिस इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री। 93 इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री। ओके, अब आप द नाउ वी विल फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थ्री। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी कि जो पेयर दे रखे हैं, टू एंगल्स के पेयर दे रखे हैं, वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। सो वी विल फाइंड द विच पेयर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है और कौन सा सप्लीमेंट्री का। तो इनको हम ऐड करके देखेंगे। वी विल ऐड देम इफ़ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स 180 डिग्री, देन वी कैन से द दीज आर द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि इनका पेयर जो है, पेयर का सम 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री होता है, और यदि इनका पेयर का सम जो है 90 डिग्री आता है तो वी विल से द पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 आने पर कॉम्प्लीमेंट्री और 180 डिग्री आने पर सप्लीमेंट्री एंगल।
तो आपके पास ये नेक्स्ट पेयर है 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, इन दोनों को वी विल ऐड देम, अगर ऐड करेंगे वी विल गेट 90, तो 90 आपका सम है, तो मींस ये जो पेयर है एंगल्स का वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, ठीक है ना। नाउ वी विल सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 105 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड वी विल ऐड देम एंड फाइंड द सम। सो द सम ऑफ दिस टू एंगल्स 180 डिग्री, देन वी कैन से इजीली द दिस पेयर इज द एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है ये। नाउ वी विल फाइंड विच दिस पेयर, व्हाट इज दिस, तो दिस इज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, तो वह पता करेंगे, वी विल एड देम एंड वी विल फाइंड द सम। द सम हियर द सम इज 180 डिग्री, सो वी कैन से इजीली दिस पेयर इज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास 90 एंड 90 इनका सम करेंगे, वी विल गेट 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट इज का 60 एंड 30, नाउ एड देम, सो वी विल गेट 90, द सम ऑफ दिस टू एंगल्स, नाउ वी कैन से दिस पेयर इज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, क्योंकि इसमें सम जो है 180 ना आकर 90 डिग्री आया है। अब इनका सम 180 डिग्री है, नाउ वी कैन से इजीली दिस पेयर इज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, ओके। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई एंगल दिया है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, व्हाट अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, जैसे हम सपोज ले लेते हैं कि 45 से ग्रेटर एंगल ले लेते हैं, हम 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम ग्रेटर है 45 डिग्री से, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो इसको पता करने के लिए 90 में से इसको माइनस करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा 30 डिग्री होगा, यानी कि इससे ग्रेटर एंगल हमारे पास 60 है, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। तो पूछा गया था इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताना है, ठीक है ना। इज़ इट इक्वल और लेस देन द ग्रेट एंड और ग्रेटर द 45 डिग्री, यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा जो इसके ग्रेटर एंगल का, वो 30 है, तो ये जो है गिवन एंगल से, इस वाले एंगल से स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो हियर इफ एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन द गिवन एंगल, ओके, और गिवन एंगल से छोटा होगा, जो यहाँ पर जो एंगल दे होगा इसका, यदि हम इससे ग्रेटर एंगल लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो गिवन एंगल से कम होगा, यदि स्मॉलर लेते हैं यहाँ तो वो जो है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है गिवन एंगल से ज़्यादा आएगा, ओके। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, हियर दिस इज अ एक डायग्राम दिया है स्टूडेंट्स, ये फिगर में जो कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन है फिगर, तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ सी एक रे है, ठीक है ना। इस पर स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल्स हैं हमारे पास, 4x एंड 2x, तो इफ ए ओ सी एंड बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री, यानी बोला कि ए ओ सी एंगल, यानी इस एंगल को बारे में बात कर रहे हैं, और बी ओ सी की बारे में बात कर रहे हैं, तो 2x ये दो एंगल हैं, यानी दोनों एंगल का जो है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसने कहा कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये दोनों सप्लीमेंट्री बताएं, तो इनका दोनों का सम 180 डिग्री नोट करेंगे, तो ए ओ सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए ओ सी की 4x और बी ओ सी की वैल्यू 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे 6x, 6 से डिवाइड लगाएंगे 30 डिग्री, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, लाइंस एल एंड L1 एल टू इंटरसेक्ट एट ओ, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है ओ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हियर द दिस वैल्यू इज गिवन 40 डिग्री,
अब जो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो इसके आमने सामने की जो एंगल होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है, यानी ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल वाई हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे देखा क्या हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसलिए इक्वल लिखा, रीज़न ये है। नोट जेड प्लस 40, यानी जेड प्लस 40 का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल्स हैं, ठीक है ना, तो इस टू एंगल्स का सम जो होगा, जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जेड प्लस 40, जेड प्लस 40 इन दोनों का सम 180 डिग्री, और उसको जेड को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और उसको ट्रांसफ़र करके राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स 140, तो अब आपको जेड की वैल्यू फाइंड होगा स्टूडेंट्स, अब आपको जेड की वैल्यू फाइंड है तो एक्स की वैल्यू भी इतनी होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो हियर एक्स इज इक्वल टू जेड, क्यों लिखा हमने इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, रीज़न भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक्स की जगह एक्स पर जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर दिया, तो जेड की वैल्यू हमारे पास 140 दी है ऑल्सो, पहले से ही दी रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हमने ये फाइंड करके निकाली है, तो हमारे पास यहाँ से नोट करके यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7, एन एंगल इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेज़र, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है हमारे पास एंगल की। लेट द एंगल बी एक्स, और कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स पता करना है तो 90 में से इसे एक्स को माइनस करना होगा। जब भी हम किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं तो गिवन एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ जो बता रहा है कि वो एंगल जो है, एन एंगल इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एंगल जो है वो ये 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का, यानी ये एंगल जो है ये 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल का ये हमने लिखा है, यहाँ नोट करा है, और ये एंगल है, यहाँ एंगल सपोज करा था, तो ये 8 टाइम्स है, तब जब 8 टाइम्स ये है तो इसको भी हमें 8 टाइम्स करना होगा, तभी ये इक्वल होगा। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 720 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स से तो 8x हो जाएगा। अब 8x को ट्रांसफ़र करके लेफ्ट हैंड साइड में लाना है राइट हैंड साइड से, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा इनका सम। अब 9 से इसको हमें डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 80 डिग्री होगी, यानी कि इससे 9 से कैंसिल करने पर 80 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर जो दे रखी है इसमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल्स है, 1, 2, 3, ये स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे उनका सम जो होगा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास यहाँ हमने जेड को वैल्यू इक्वल रखी है 40, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ये दो लाइनें, तो हमारे पास जेड इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीज़न लिखा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमने बताया ये सबों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। तो पहले फर्स्ट एंगल 40 है, सेकंड एंगल हम एक्स ले लिए, थर्ड एंगल 30 डिग्री होगा, इनका सम 180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 70 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 110। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द दिस इज ऑल द टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पर इस साइड में हमारे पास टू एंगल्स हैं, तो हमारे पास टू एंगल्स ये हैं वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड का सम जो होगा 180 होगा, ठीक है ना। तो हम जेड की वैल्यू फाइंड ऑल पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर सबसे हमने पहले जेड की ही वैल्यू फाइंड करी थी ये, तो ये जेड की वैल्यू फाइंड करी है तो जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे 40, जो जेड की वैल्यू हमने ये फाइंड करी है, ठीक है। तो जेड 40 को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 140 डिग्री, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9, आर द फॉलोइंग एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि पूछा जा रहा है कि एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, इसमें कोई भी कॉमन साइड नहीं है, जब कॉमन साइड होती है तभी कोई एंगल एडजेसेंट होती है, तो इसमें हम लिखेंगे नो। हियर
तो एंगल वन एंड एंगल टू, यस एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट बिकॉज उसका रीज़न है कि ये दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन या लाइन जा रही है, तो रे जा रही है, तो ये कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण ये दोनों एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट होंगे। अब इसमें भी स्टूडेंट्स इसमें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ये आर्म, इसकी आर्म ये है और इसकी आर्म ये है, तो ये दोनों की डिफरेंट आर्म है। इसको कॉमन आर्म मत मानना कि ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, एंगल टू जो है ये स्टार्ट हुआ इस जगह से और एंगल वन स्टार्ट हुआ इस जगह से, ठीक है ना। इसकी दोनों आर्म यहाँ से स्टार्ट हुई हैं और इसकी ये आर्म जो है ये और ये, तो दोनों की कॉमन आर्म कोई नहीं है, इसलिए एंगल वन एंड एंगल टू ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इन द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एंगल वन है और ये एंगल टू है, ठीक है ना, ठीक है, एंगल वन और एंगल टू इसके बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं आ रही, तो ये कॉमन आर्म नहीं आ रही तो ये एंगल जो होंगे एंगल वन एंड एंगल टू जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इसमें बीच में इनके दोनों के कॉमन साइड आनी चाहिए, जैसे ये तो वैसे कॉमन तो ये है, ये इस एंगल की भी, एंगल वन की भी और एंगल टू की भी, लेकिन इन दोनों के बीच में आने चाहिए, ठीक है ना। तो बीच में कोई भी आर्म कॉमन नहीं आ रही, सो दिस इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, यानी पेयर बताने हैं एंगल्स के आपको। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस का मतलब जो 90 से बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं ऑब्ट्यूस, तो आपके पास ए ओ डी यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 से बड़ी होगी और इसका ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया बी ओ सी, तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये, लेकिन ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ऑब्ट्यूस नहीं हैं, एक्यूट है, ये एक्यूट हैं और ये जो हैं ऑब्ट्यूस हैं। एक्यूट वो होते हैं इनकी वैल्यू 90 से कम होती है, तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है उसे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं इसमें बी ओ ए यानी बी ओ ए एंड ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एंगल ए ओ ई यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे मेज़र कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। ओके नाउ इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है दो, तो बी ओ ई यानी बी ओ ई, ठीक है ना, बी ओ ई, तो स्टूडेंट्स बी ओ ई हमारे पास है बी ओ ई और ये 90 का है तो इसके जस्ट बगल वाला ये भी 90 डिग्री का होगा ई ओ डी, तो यानी कि दोनों बराबर हो गए, तो पूछ रहा इक्वल पूछ रहा था इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम 180 डिग्री हो रहा है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जो सप्लीमेंट्री नहीं है तो इसमें बहुत सारे हैं ए ओ बी एंड बी ओ सी एंड बी ओ सी एंड डी ओ सी, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म द लीनियर पेयर यानी एडजेसेंट एंगल बता रहे हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, जैसे कि ए ओ हमारे पास ए ओ ई है एक एंगल और एक ई ओ डी है, ये दोनों 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं यानी कि, तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा, जब 180 डिग्री बनता है तो वहाँ भी लीनियर पेयर बनता है, ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल जो हैं लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल टू, क्या बोला कि क्या एंगल वन एंगल टू का एडजेसेंट है, तो भाई ये कॉमन साइड तो है, ठीक है ना, दोनों के लिए एंगल वन के लिए और एंगल टू के लिए दोनों के लिए कॉमन साइड है, लेकिन इसकी शुरुआत इससे हुई है यहाँ से और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है ना, इस एंगल की जो आर्म जो है स्टार्ट हुई है यहाँ से और इधर इसमें इधर से स्टार्ट हुई है, यानी दोनों एंगल का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए यानी शुरुआत एक ही पॉइंट से होनी चाहिए, या तो यहाँ से होनी चाहिए थी या यहाँ से, इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस एंगल के लिए ये लाइन जो जा रही है इधर, ठीक है ना, और इसके लिए इधर से स्टार्ट हो रही है इधर, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो सो दिस इज़ एंगल वन एंड एंगल टू नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर,
यानी कि ये एडजेसेंट नहीं है, नो बिकॉज दे डू नॉट हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनकी शुरुआत एक ही जगह से होनी चाहिए थी, इसलिए ये इनकी शुरुआत एक जगह से नहीं हुई है, इसलिए ये दोनों जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।